उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के शाहगंज में क्राइम ब्रांच और थाना शाहगंज पुलिस ने 4 नफर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर उच्चका गांव में नदी के पुल के पास से मारुति एक्सप्रेसो कार से जा रहे 4 नफर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम सूरज कुमार शाह, बुतरू कोल, सुनील कुमार साकेत और कमलेश कुशवाहा है। साथ ही उनके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, और इनके पास से 44,900 रुपए नगद भी बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज शाहगंज पुलिस और हमारी स्वाट टीम ने उचका पुल के पास बेलन नदी के पास 11:30 बजे करीब 4 अभियुक्तों की गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक सूरज है, एक सुनील, एक कमलेश और एक बुद्धू कोल। ये सभी सिंगरौली के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 500 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है और ये एक मारुति की एक कार है जिसमें ये ले करके जा रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ये लोग बाराबंकी से ख़रीद करके लाए थे और बाया सोनभद्र ये सिंगरौली जा रहे थे। इसमें मुखबिर की सूचना पर ये बड़ी कामयाबी मिली है और इस 500 ग्राम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में करीब 50 लाख रुपए है, तो ये एक बड़ी सफलता है। और जो टीम हमारी इसको गिरफ्तार किया है उसको नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है और इनको अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है।